डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये आप लोगों की 20 वाली एक्सरसाइज छूट गई थी, अब इसको हम हल करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला है, ही सेड टू मी वेयर डिड यू सी द लास्ट नाइट। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा, He said to का बदल देंगे asked में, He asked me, question word को conjunction बना देते हैं interrogative में, तो where you, फिर बाकी को assertive बनाते हैं, you कौन सा person है, second person, object के अनुसार, object क्या है, me का subject क्या होता है, I पास्ट डेफिनेट का एम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट, आई हैड सीन हिम। लास्ट का क्या लगा देते हैं, लास्ट को लगा देते हैं प्रीवियस नाइट, NIGHT। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा वाला, द डॉक्टर सेट टू कायम बदल देंगे फॉरवर्ड में, या एडवाइज में, है ना, फॉरवर्ड, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट। आपकी समझ आ रहा है ना, जब ये हमारा डू नॉट से आरंभ होता है तो सेड या सेट टू कायम बदल देते हैं फॉरवर्ड में, टू द पेशेंट, और नॉट डू नॉट को हटा देते हैं, टू से छोड़ देते हैं, टू ईट टू मच। तीसरा देखिए, या नीचे कर रहे हैं, तीसरा, Kindly give me one day's leave, said the servant to his master. तो क्या हो जाएगा, The servant said to the master, क्या है, requested। Kindly से क्या पता चल गया हमें, requested। The servant requested his master और जो kindly आया उसको हटा देंगे, से जोड़ देंगे, टू गिव, मी फर्स्ट पर्सन है तो अब सब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, गिव हिम वन डेज लीव। नंबर चार देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास एट वंस। ये क्या इंपेरेटिव है, तो इसको द टीचर सेट टू कायम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर्ड द बॉय क्या लगाएंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को उठा के टू लगाते हैं, टू गेट आउट ऑफ द क्लास क्लास एट वंस। नंबर पांच, द फादर सेड टू हिज सन वेट टिल योर ब्रदर रिटर्न्स। द फादर एडवाइज या ऑर्डर लगाएंगे हम, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को उठा के टू लगाते हैं, टू वेट टिल योर सन के अनुसार हिज ब्रदर रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड
सिक्स देखिए, ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, इट नीड्स नो प्रूफ. ही टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, दैट द अर्थ स्मॉल है, द अर्थ इज राउंड एंड ही एडेड या सेड लगा देंगे एंड ही सेड दैट इट नीडेड नो प्रूफ. सेवन देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सो लॉन्ग एज यू आर अंडर माय ट्रीटमेंट. द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है फॉरवर्ड से एडवाइज से लगा देना, एडवाइज्ड डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द पेशेंट द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू, नॉट टू इसको डू को हटा देते हैं ना, नॉट टू स्मोक, स्मोक सो लॉन्ग एज यू, यानी सेकेंड पर्सन पेशेंट, तो क्या हो जाए ही एज ही वॉज, वॉज वॉज एज कार का क्या हो जाए वॉज अंडर हिज ट्रीटमेंट, हिज ट्रीटमेंट. देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. आठवां देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इफ यू वॉन्ट टू पास. द टीचर, और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रारंभिक एक्सरसाइज देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा. देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड या एडवाइज कुछ भी लगा सकते हैं, टीचर एडवाइज द बॉयज, टीचर एडवाइज द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के टू लगाते हैं इंपेरेटिव में, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव योर क्या हो जाएगा देयर, सेकंड पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट क्या बॉयज, बॉयज का पजेसिव क्या हो जाएगा देयर, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग इफ यू, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, दे वांटेड टू पास. लास्ट देखिए नाइन वाला, आई सेड टू द माई सर्वेंट आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, इम्पेरेटिव में सेड या सेड टू काय में बदल देते हैं भाव के अनुसार, ऑर्डर्ड में सर्वेंट, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के टू रैप अप, दीज का क्या हो जाएगा दोज बुक्स इन हा पीस ऑफ पेपर. थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें. थैंक यू.